हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? तो आज मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं उसको ये खिचड़ी देती थी, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, दांत नहीं होते तो हेल्दी रहती है खिचड़ी। तो वो सेरेलेक ज़्यादा नहीं खाता था तो मैं यही बना के उसे देती थी। लेकिन बेटा बड़ा हो गया, लेकिन उसका क्या हुआ ना, आज उसका जो दांत है वो टूट गया, तो उसकी वजह से वो कुछ खा नहीं पा रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उसे खिचड़ी बना के दी जाए और आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 मुट्ठी जो है ये चावल है, मोटे चावल है, कोई भी चावल आप ले सकते हो। मोटे चावल से क्या रहता है, खिचड़ी अच्छी बनती है। जो ये मोटे वाले से चावल आते हैं, ये मैंने 2 मुट्ठी भिगोने रखी है, अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद इसे भिगो देंगे कम से कम आधा घंटा। और टाइम नहीं है तो आप तुरंत भी बना सकते हो, लेकिन अगर भिगो के रखते हैं तो खिचड़ी अच्छे से बनती है, तैयार होती है, ठीक है। और ये है मूंग दाल, ये पीली वाली मूंग दाल होती है ना, बिना छिलके वाली, वो है। इसको भी 2 मुट्ठी लिया मैंने, इक्वल लिया। आप चाहो तो क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, जो चीज़ अच्छी लगती है। तो मैंने ये आज इक्वली लिए, नहीं तो चावल से थोड़ा सा कम रख सकते हो आप, 1.5 मुट्ठी कर लो। तो इसे भी मैंने अच्छे से धो के पानी में भिगोने रख दिया है। इससे क्या है, खिचड़ी अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है। और ये 3 से 4 कलियाँ लहसुन की है, बारीक काट के लिए मैंने। और थोड़ा सा लेंगे जीरा, जीरा ऑप्शनल है। और देसी घी का इसमें तड़का लगाऊंगी, देसी घी। तो चलिए इसे बनाते हैं। और हाँ, इसे हम बनाएंगे कुकर में, प्रेशर कुकर में हम बनाएंगे। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर को गर्म कर लिया है और इसमें डालेंगे हम देसी घी, क्योंकि ये जो खिचड़ी है देसी घी में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप इसमें देसी घी का यूज़ करें, लेकिन अगर देसी घी यूज़ नहीं करना चाहते तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच इसमें देसी घी का डाला है। और इसके बाद इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा यानी क्यूमिन सीड्स और 2 से 3 चुटकी घी यानी एसोफोटिडा। और ये है बारीक कटा हुआ लहसुन, और हल्का सा इसको हम फ्राई कर देंगे ताकि जो लहसुन और जीरा है हल्का सा फ्राई हो जाए, भुन जाए, यानी कि ये जो है कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो खिचड़ी में जो है टेस्ट अच्छा नहीं आएगा इसका। तो इसको हम इसी तरह से कुछ सेकंड्स तक फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे, क्योंकि जो घी रहता है ना तेज़ आंच पे मतलब जल जाता है। तो इसको जो है हम लो फ्लेम पे या फिर मीडियम फ्लेम पे हमें जो है फ्राई करना है। तो ये देखिए फ्राई हो चुका है लहसुन और जीरा। तो अभी मैं इसमें डालूंगी भीगी हुई दाल। दाल को आप आधा घंटा 1 घंटा भिगो सकते हो, अच्छे से जो है सॉफ्ट हो जाती है, खिचड़ी भी अच्छी बनती है। इसको इसमें डालने के बाद इसे जो है लगातार हम इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। इससे क्या होता है, खिचड़ी का टेस्ट और भी मतलब अच्छे से उभर के आता है, टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है अगर इस तरह से आप पहले दाल को अच्छे से भून लो। तो दाल को भून लेंगे कम से कम 1 मिनट तक। और उसके बाद इसमें डालेंगे चावल जो हमने भिगो के रखे थे। मैंने यहाँ सिंपल जो मोटे चावल आते हैं उसका यूज़ किया है। इसको भी आप आधा घंटा 15 मिनट या टाइम नहीं है तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन अगर भिगो के रखते हैं तो ज़्यादा मतलब सॉफ्ट बनता है, अच्छी बनती है खिचड़ी। तो वो मैंने इसमें डाले चावल भीगे हुए। आप चाहो तो जो पतले वाले बासमती चावल आते हैं उसका भी बना सकते हो, लेकिन अगर मोटे चावल आते हैं ना तो ज़्यादा अच्छी बनती है खिचड़ी। तो कंटिन्यूसली लगातार जो 1-1.5 मिनट तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाना है ताकि चावल भी जो अच्छे से भुन जाए। तो इसके बाद इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही इसमें डालेंगे हम हल्की सी हल्दी कलर के लिए। अगर आप चाहते हो हल्का सा पीला कलर आए तो आप हल्दी डाल सकते हो, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो इसमें डाला है थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, ये कलर वाली है, हल्का सा कलर देती है और हल्की सी तीखी होती है। अगर आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हो तो आप जो है मतलब मिर्च का प्रयोग ना करें, मतलब स्किप कर सकते हैं ये चीज़ें, कई चीज़ें जो आप बच्चों को नहीं देना चाहते हो। तो इसे भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि हल्दी भी अच्छे से जो है मतलब कच्चा नहीं है, मुझे हल्दी की भी कच्ची स्मेल आती है ना, तो इसलिए इसमें जो है लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड के लिए हम 15 से 20 सेकंड के लिए, ताकि इसकी कच्ची स्मेल जो है चली जाए। और इसको भूनने के बाद अब इसमें जाएगा पानी। पानी हमें ढेर सारा डालना है, मैंने यहाँ पे कम से कम 1 लीटर के करीब इसमें पानी डाला है। आप बोलोगे ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन खिचड़ी हमें मतलब थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में चाहिए, वैसे ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने मतलब 1 लीटर के करीब करीब पानी डाला है। तो ये देखिए पानी डालने के बाद इसको अच्छे से हम इसमें
मिक्स कर लेंगे ताकि पानी में ये सारे मसाले वगैरह वगैरह अच्छे से घुल मिल जाए। और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। पहले हम हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से जो है मतलब थोड़ा सा स्टीम आती है तब तक पकाएंगे, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे कम से कम 15 मिनट के लिए हमें इसे लो फ्लेम पे बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देना है। तो ये देखिए हमारी खिचड़ी जो है बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये खिचड़ी। आप इसे बच्चों को दे सकते हो, बड़े मतलब कोई भी उम्र के जो इंसान है वो इसे खा सकते हैं और गर्मा गर्म परोसे बहुत ही टेस्टी लगती है ये। और देसी घी ऊपर से आप डाल सकते हो अगर आप खाते हो तो। मैंने यहाँ पे देसी घी जो है बाद में और डाला है, इसे खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये मेरी खिचड़ी बन के तैयार हो गई है, बेटे ने खा लिए। तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा जो है अनियन डाला है बारीक बारीक काट के, और ये आम का अचार और ये पापड़ बहुत ही टेस्टी लगती है। आप ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी बाय।